डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम एक ही आर्टिकल 12.14 स्टडी करेंगे, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। फर्स्ट केस में हम प्लेट्स के दरमियान में एयर कंसिडर करेंगे, जबकि सेकेंड केस में हम एक डाईइलेक्ट्रिक मीडियम जो है प्लेट्स के दरमियान में इंसर्ट करेंगे और दोबारा कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। दोनों एक्सप्रेशन यानी कैपेसिटेंस फॉर ए डाईइलेक्ट्रिक मीडियम एंड विदाउट डाईइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगी जिसे हम डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि दो प्लेन मेटल प्लेट्स की शक्ल में डायग्राम में नज़र आ रहा है कंसिडर करते हैं। इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल डी है और इसको हम एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। एयर जब इनके दरमियान में है तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के मुताबिक सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। क्यू जो है हमारे पास चार्ज जो प्लेट्स के ऊपर अकोमोलेट होगा और वी वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन प्लेट्स के दरमियान में एस्टेब्लिश होगा। प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस वी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा जिसे हम ई कहते हैं और वी और ई के दरमियान में एक रिलेशन इक्वेशन 2 की शक्ल में हमने यहाँ लिखा हुआ है जो कि हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं। इसी तरह हम जानते हैं और हमने ड्राइव भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और सिग्मा को हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको हम यहाँ इसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 इन द फॉर्म ऑफ क्यू चार्ज एरिया ऑफ द प्लेट ए और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 लिख दी है। इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जो कि वी ओवर डी की फॉर्म में होगी। इस इक्वेशन में से क्यू ओवर वी को हम अलहदा कर लेंगे और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ मैंने टॉप पे 1 इक्वेशन लिख दी है। इससे हमारे पास कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है और ये शो करता है कि कैपेसिटेंस जो है ना एप्सिलॉन नॉट और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि दोनों प्लेट के दरमियान में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान एक डाईइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो हम उसकी कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और डिवाइड बाय डी। जैसा कि हम जानते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के दरमियान में एयर मौजूद थी और एप्सिलॉन आर जो है जब मीडियम मौजूद होगा तो डाईइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इसलिए यहाँ पे एक टर्म एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है और ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से लार्जर होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी मीडियम है वो हमेशा सी वैक्यूम से ग्रेटर हो। जैसा कि हमने देखा कि कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में डाईइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो इसको हम एक डेमोंस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे ये जो अरेंजमेंट है इसमें डाईइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, एयर मौजूद है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक वोल्ट मीटर से तो हम देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर की वैल्यू लार्जर मेजर करेगा। तो जितनी ज़्यादा लार्जर मेजर करेगा वोल्टेज उतनी हम इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस स्मॉल हो जाएगी। लेकिन जब हम सेकंड केस में राइट हैंड साइड की जो डायग्राम है कैपेसिटर के दरमियान में एक डाईइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया और इस डाईइलेक्ट्रिक की वजह से हमारे पास जो वोल्टेज हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज जब जितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी कैपेसिटेंस उतनी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों कैपेसिटेंसेस को कंपेयर करेंगे। एक कैपेसिटेंस वो जब हमने प्लेट्स के दरमियान में एयर या वैक्यूम को कंसिडर किया वो इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। एक वो कैपेसिटेंस जब हमने कोई इंसुलेटिंग मीडियम
प्लेट्स के दरमियान रखा, उसे हमने सी मीडियम का नाम दिया और कैलकुलेट किया। इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास एप्सिलॉन आर जो कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाता है की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ओवर डी जो है वो हमारे पास कैपेसिटेंस है जब एयर बीच में मौजूद थी, तो इसको हम सी वैक्यूम लिख लेंगे। और यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो आएगी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू कैपेसिटेंसेस व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट टू द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज एयर बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से मुतालिक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पास पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मौजूद हैं, एक कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, सेकंड प्लेट्स का एरिया या प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस के क्या इफेक्ट होगा, और एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन की एक ही मीनिंग है कि आप एक्सप्रेशन ड्राइव करें कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।